Realme ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G इंडिया में 27,000 से ये शुरू होता है और इस वीडियो में हम देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीज़ें आपको बॉक्स में मिलती हैं। तो बॉक्स खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है सबसे पहले, फिर सेफ्टी गाइड और वारंटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट केस भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है। फिर ये रहा फ़ोन, ये है मर्करी सिल्वर वेरिएंट जो कि बड़ा ही शानदार दिख रहा है बैक साइड से, काफ़ी स्लीक भी है, कॉम्पैक्ट भी है और हल्का भी है ये फ़ोन। फिर यहाँ पे आपको SuperDart चार्जर मिल जाता है, ये 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन। और फाइनली यहाँ पे आपको एक केबल दी गई है जो कि टाइप सी केबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी Realme X7 Max के रिटेल यूनिट में। गाइस ये इंडिया में आने वाला है Realme X7 Max के नाम से। बाय द वे ये है Realme जी ट्यूनियो और इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बॉक्स पूरा सिल्वर कलर का आने वाला है, पूरा बॉक्स चेंज होने वाला है ये इंडिया में आने के बाद। बॉक्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलते हैं, इसके बाद आपको एक TPU केस देखने को मिलती है जो कि ग्रेइश है, टाइप सी USB केबल देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर, और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मुझे लगा। इसमें आता है Dimensity 1200 और बॉक्स के अंदर है चार्जर जो कि SuperDart चार्जर है 65W का। अभी भाई ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की। ये फ़ोन आने वाला है 25,000 की प्राइस रेंज के पास और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। बाकी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इसमें आने वाला है Dimensity 1200 जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके अंतर्गत स्कोर आते हैं 7 लाख के करीब जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको गेमिंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।